सो फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का डिस्कशन। लास्ट लेसन में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फीचर्स देखे थे, अब हम देखेंगे अगस्त ऑफ 1940। तो अगस्त ऑफ 1940 क्या था इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो 1940 अगस्त में इसको कैसे याद रख सकते हो मैं आपको तरीका भी बताऊंगा उसका एग्जाम्पल देके। तो 1940 में जो वाइसरॉय थे इंडिया के, उन्होंने ऐसा बोला कि आप इंडिया को हम अब स्टेटस देंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे इंडिया को। ठीक है, ये टर्म याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था 2016 में प्रीलिम्स में, मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है ये, फिर भी मैं अभी थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ, पर इनके डिटेल जो है जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा तब आपको समझाऊंगा इनकी डिटेल्स। ठीक है, तो डोमिनियन स्टेटस देने की बात करी, तो डोमिनियन स्टेटस क्या है? डोमिनियन स्टेटस ये है कि जो इंडिया थी, इंडिया को वो ऑटोनॉमी दे देंगे। दूसरी तरीके से समझो आप, जो भी ब्रिटिशर्स के अंडर में कॉलोनीज थी डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग देशों जो उनके अंडर में थे, जो कॉमनवेल्थ बोला जाता है, ब्रिटेन कॉमनवेल्थ, तो उन्होंने वहां पर डोमिनियन स्टेटस देने का प्रावधान स्टार्ट कर दिया। वो तरीका क्या था, उसमें वो क्या करते थे कि उनकी वहां की ऑटोनॉमी दे देते थे उनको, यानी वहां की लोकल गवर्नमेंट फॉर्म होती थी उस कंट्री की, वो लोग अपने लॉ बना सकते थे, अपना एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में कर सकते थे, बट स्टिल वो किसके अंदर में होंगे, किसके डोमिनियन में होंगे, वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर में। ठीक है, आप सारा कुछ चलाओ, जैसे कि आपके पापा आपको किसी कमरे में, मतलब उनके कई सारे घर हैं, तो किसी मतलब एक बड़े बिजनेसमैन के कुछ दो तीन बेटे हैं, तो उन दो तीन बेटों को एक एक घर दे दिया और उस घर में उनको कहा देखो बेटा ये लो चाबी, अब पूरा घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है, परंतु जो घर के जो कागजात हैं, घर के जो सब कुछ है, वो किसके किसके नाम पर है, वो पापा के नाम पर ही है। ठीक है, वो जब चाहे उनको बाहर कर सकते हैं, हालांकि पिता ऐसे नहीं करेगा। तो उसी तरीके से पूरी चाबी, यानी कि पूरा चलाने का किसके पास चाबी है देश को चलाने की, लोकल लोगों के पास, पर वो रिपोर्ट किसको करेंगे, किसके अंडर में रहेंगे, वो अभी भी सोवरेन नहीं है, अभी वो अंडर किसके रहेंगे, ब्रिटेन के अंदर में रहेंगे। तो ये डोमिनियन स्टेटस देने की प्रावधान हुआ। ठीक, सेकंड जो है हमारा डोमिनियन स्टेटस के अलावा, उन्होंने ऐसा बोला कि उस समय वर्ल्ड वॉर चल रही थी, वर्ल्ड वॉर सेकंड, तो उन्होंने बोला कि जैसे ही हमारी जो वर्ल्ड वॉर टू जो है वो खत्म हो जाएगी, तो उसी तुरंत ही हम आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, जो आपके द्वारा ही चुनी गई होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन आपके देश का अपने हिसाब से जैसा आपको उचित लगता है वैसा आप बना सकते हो। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की यहां पर भी बातें आगे बढ़ाई गई। ठीक है, जब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री टाइमलाइन बताऊंगा तब इसको और डिस्कस करूंगा, तो याद रखिएगा। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बोला कि आप बना सकते हो अपने लोगों को लेकर, अपने लोगों को चुनकर। ठीक, हम आपको वहां बीच में नहीं रोकेंगे। और तीसरा एक और चीज थी इसके अंदर, वो क्या थी कि इन्होंने बोला कि जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ठीक, हमने पहले भी देखा है वो 1909-1919 में, कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें इंडियंस का पार्टिसिपेशन और बढ़ा देंगे, और लोगों का पार्टिसिपेशन जब कम हो जाएगा, यानी ब्रिटिशर्स का पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा, इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, और ओवरऑल साइज जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हम उसको भी इंक्रीज कर देंगे। तो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसको बढ़ाने का प्रावधान भी इसमें उन्होंने बोला। इसके अलावा ये सारे प्रपोजल जो थे वो काफी मतलब ल्यूक्रेटिंग थे, अच्छे लग रहे थे, सब कुछ बढ़िया था, परंतु लोग संतुष्ट नहीं थे उससे, क्योंकि वो उस समय कुछ ज्यादा चाहते थे। और इसके अलावा जो मुस्लिम लीग थी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस प्लान को कम्प्लीटली रिजेक्ट करा और ऐसा बोला कि हमारे लिए तो सिर्फ एक ही चीज है, वो है कि दो नेशन को बनाना, सेपरेट डोमिनियन बनाना पाकिस्तान को। हाँ, जब तक हमारा पार्टीशन नहीं होगा, हमारी जो मांग है पार्टीशन की वो पूरी नहीं होगी, जब तक हमें उससे नीचे कुछ स्वीकार नहीं है। तो ये था हमारे मुस्लिम लीग का उस समय का प्रपोजल, अगस्त ऑफर को रिजेक्ट करने का कारण। ठीक है, इसके अलावा कैसे याद रख सकते हो, जैसे अगस्त में फ्रेंडशिप डे होता है ना, पहले संडे को याद होगा आपको। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, हम दोस्ती वोस्ती करते हैं, उसके बाद अपने जो हमारी चाबी होती है अपने इमोशंस की, अपनी फीलिंग्स की, और इसके साथ साथ और भी कई सारी चीजें होती है, वो हम दूसरे को दे देते हैं। ठीक है, लाइफ हमारी होती है पर वो किसी के अंडर में होती है। ठीक है, उस तरह से याद रख सकते हो। इसी प्रकार से हमारा डोमिनियन किसका, ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर डोमिनियन होता है, करने वाले हम ही होते हैं, पर चाबी किसके पास होती है, दूसरे के पास होती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगस्त ऑफर में इतना ही था, बाकी का अगर मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो और भी चीज है इसमें डिटेल कर मतलब पढ़ने की, वो जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा मैं आपको तब करूंगा पूरी। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा इसके बाद जो था वो क्रिप्स मिशन था, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।